हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यू चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी सुनबहरी यानी कुष्ठ रोग। आप लोग अगल बगल में बहुत सारे मरीजों को देखते होंगे जिसका हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो गया रहता है। बहुत सारे मरीजों का आप लोग देखते होंगे जिसका उंगली धीरे धीरे सर कर झड़ जाता है, हाथ पांव का उंगली। बहुत अफसोस की बात है, देखने के बाद में बड़ी माया लगता है, बहुत करुणा की स्थिति वहां उत्पन्न हो जाती है। और कुछ रोगियों के साथ में उसके बाद भी बिहेव अच्छा नहीं होता है, सब लोग उनसे दूरी बनाए रहना चाहते हैं, वो समझते हैं कि इन्फेक्शन लग ना जाए। जब एक ज़माना था जब किसी बीमारी के लिए कोई भी दवा सटीक काम नहीं करता था और कोई ख़ास दवा नहीं थी, लेकिन आज के समय में होम्योपैथ, आयुर्वेद, एलोपैथ, नेचुरोपैथ तमाम तरह के चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध है, या हर तरह के जानकारी एक दूसरे के साथ दिया जा सकता है। यदि आप सामाजिक आदमी हैं तो किसी व्यक्ति का यदि हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगे और कोई भी घाव यदि आपका ठीक नहीं हो रहा है और चमड़ा सुन हो गया है, यदि आप वहां पर चींटी काटते हैं तो समझ में नहीं आता है। मान लीजिए किसी का लेप्रोसी का बीमारी है तो चींटी काटने से आपको बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा, पिन अलपिन कुछ भी हिलाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। घर बैठे आप जांच कर सकते हैं। ये वीडियो हम कई अपने पूर्व के वीडियो में ये बात हम कह चुके हैं। ये बात हमें बार बार इसलिए कहनी पड़ती है कि कुष्ठ रोगियों की संख्या हमारे अनुमान से बहुत ही ज़्यादा है, और इसका और न जाने कितने कुष्ठ रोगी अभी हिंदुस्तान में है, और हिंदुस्तान के अतिरिक्त नेपाल से भी कई रोगियों ने कमेंट करके पूछा था नेपाली भाषा में, लेकिन हमें नेपाली भाषा आता नहीं है। अब उन लोगों का क्या समस्या है हमें तो मालूम नहीं है कि उन लोगों को कैसे होता है। ऐसे हम विदेश में भी जो रोगी रहते हैं वहाँ पर भी लेप्रोसी की दवा वहाँ पर मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि लेप्रोसी की बीमारी यानी कुष्ठ रोग की बीमारी पूरे दुनिया में है। हमने कई वीडियो में आपको हाइड्रोकोटाइल नाम का आपको हमने दवा बताया था कि कहीं भी आपको मालूम चल जाए कि आपको लेप्रोसी की बीमारी है और कुष्ठ रोग आपको हो चुका है तो आप देख सकते हैं। ये हाइड्रोकोटाइल आप 30 है 201 mg जो मिले आप ले सकते हैं। ये आसानी से कहीं पर भी होम्योपैथिक स्टोर पर मिल जाता है, किसी भी डॉक्टर के सलाह से आप ले सकते हैं। इसका मात्रा 2 से 4 बूंद पोटेंसी के अनुसार, यदि लो पोटेंसी है 30 है तो दिन में आप 2 से 3 बार ले सकते हैं, अगर 200 है तो सुबह शाम ले सकते हैं, 1 mg है तो 2 दिन 3 दिन बीच देकर आप एक खुराक ले सकते हैं। इस तरह से आपके लेप्रोसी को बढ़ने नहीं देगा। जैसे ही आपको मालूम चले कि चमड़ा मोटा होने लगे और हाथ पांव का उंगली में इन्फेक्शन आने लगे और घाव को नहीं ठीक हो रहा है, जलने के बाद आपको समझ में नहीं आता है, झंझनाहट हो, चमड़ा मोटा हो, धूप आपको बर्दाश्त नहीं हो, कमजोरी हो, थकान हो, तो कुष्ठ रोग का लक्षण दिखाई देता है। अब आते हैं अपने सवाल पर। कुष्ठ रोगियों द्वारा ये पूछा गया रहता है कि क्या शारीरिक संबंध कुष्ठ रोगी बना सकते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ है यदि आपको शुरुआती दौर है लेप्रोसी की और आपका सेक्स पावर ठीक है, उत्तेजना आपका सही ढंग से आता है, मन ठीक है, तो दोनों ही ओर का इसे आपको कोई दिक्कत नहीं है, इन्फेक्शन भी एक दूसरे में नहीं जाता है, क्योंकि यह बीमारी आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडी में नहीं आता है, इसलिए सेक्सुअल आपको संबंध बनाने से किसी भी तरह का एक दूसरे में बीमारी जाने की संभावना नहीं रहती है। यदि आप लेप्रोसी की बीमारी है तो उसके साथ में भी कई लोगों का कई तरह का बीमारी रहता है। यदि आपको लेप्रोसी है,
कुष्ठ रोग है उसके साथ में आपका सेक्स पावर कम हो गया है तो उसका भी इलाज आप अलग से आपको लेनी पड़ेगी। और आपको लेप्रोसी हुआ है उसके साथ आपको दूसरा कोई बीमारी, मान लीजिए आपको गैस बन रहा है, जॉन्डिस है, गैस का कोई भी समस्या है आपको, तो उसकी भी अलग से आपको ट्रीटमेंट करानी पड़ेगी। और इसके बाद यदि शुगर है आपको, यानी शुगर है तो शुगर आपने जांच करा लीजिए, यदि शुगर है आपको तो उसको भी अलग से दवा खानी पड़ती है, थोड़ा सा अलग दवा करनी पड़ती है। ऐसे जो लेप्रोसी की दवा रहती है वो दवा उसमें भी काम करता है, आपका कोई भी बीमारी हो, दर्द हो, पीड़ा हो, गठिया हो, साइटिका हो, कोई भी समस्या है उसके साथ काम करता है, लेकिन थोड़ी सी दवा इधर उधर बढ़ानी पड़ती है लक्षण के अनुसार। होम्योपैथिक जो है लक्षण पर चलता है, कोई बीमारी को बहुत बेहतरीन ढंग से क्योर करता है बशर्ते कि लक्षण मिलनी चाहिए। MDT जहां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यानी सरकार द्वारा आपको फ्री में मुफ्त में रोगियों को दिया जाता है, लेकिन बहुत सारे मरीज संतुष्ट नहीं रहते हैं क्योंकि उनका बीमारी जड़ से नहीं गया रहता है, इसलिए दूसरा ऑप्शन तलाशते हैं जिसमें होम्योपैथिक दवा। हमने पिछले वीडियो में आपको हम बता चुके हैं कि कई ग्रंथों में हम दिखा देंगे कि लेप्रोसी का बीमारी आपको होम्योपैथिक दवा से बिल्कुल चला जाता है। हताश न हो, निराश न हो, मनोबल को बनाए रहें, खुश रहें और अपने को दिमाग से निकालें कि आप लेप्रोसी के मरीज हैं और आप दुनिया में आए हैं जीने के लिए, मरने के लिए नहीं, और आपका स्वस्थ होना आपका अधिकार है। आपके अधिकार से आपको कोई वंचित नहीं कर सकता है कि आपको लेप्रोसी का मरीज है तो आप वो सही सर गल कर मर जाए। देरी इसमें नहीं करना है, बहुत मरीजों का देखने के बाद में कंडीशन बहुत ही खराब लगता है, हाथ पांव का उंगली उनका गिर चुका रहता है, समय रहते आप ट्रीटमेंट ले, इलाज कराएं, निश्चित रूप से ठीक होगा। और MDT का एक हद तक आप इस्तेमाल कर लिए हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन MDT है, MDT एक एलोपैथ दवा है तो उसमें आपको पूरा जड़ से ठीक होने की संभावना नहीं रहती है, आराम करता है। ये एक तरह का लेप्रोसी का जो शिकायत रहता है, एक तरह का कुष्ठ रोग जो है, एक तरह का क्षय यानी TB, उसमें TB का भी दवा आपको देखिएगा कि चलता है क्षय रोग में, तो एक तरह का आपको समझिए कि स्किन का एक ट्यूबरकुलोसिस है, TB है। तो TB के मरीज को क्या करना है, आप साफ साफ लिखा रहता है, यौन संबंध नहीं बना सकते हैं, सेक्स संबंधी उनकी जो है वो अपने उनको ब्रह्मचर्य का पालन करनी चाहिए, कोई भी है TB के मरीज को सेक्स नहीं करनी चाहिए, सेक्स स्वस्थ आदमी का चीज़ होता है। यदि आप लेप्रोसी का मरीज हैं तो पहले अपने को ठीक करें, यदि आप कमजोरी आपके पास में है, थकान है और आपको यौन उत्तेजना नहीं है, अंदर से आपको इच्छा नहीं करती है, ज़बरदस्ती बनाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपको लेप्रोसी का बीमारी जल्दी ठीक नहीं हो पाएगा। हाँ, थोड़ी सी शिकायत है, हट्टा खट्टा है तो थोड़ा बहुत वो भी आपको लेप्रोसी के मरीज को, किसी भी तरह का आप लेप्रोसी आपको हो गया है तो कम से कम सेक्स संबंध बनाए, कम से कम यौन संबंध बनाए, नहीं तो ये बीमारी को ठीक करने के जगह पर और ही बढ़ा सकता है। यदि आपको बात समझ में नहीं आता है, कोई बात समझने से आप चूक जा रहे हैं, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9801757533, 980-1757533 पर किसी भी तरह का सवाल है, किसी भी तरह का संकोच है आप कर सकते हैं। आप थोड़ा सा भी आपको हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, व्हाट्सएप मैसेज करने से भी न चूके, फ़ोटो खींच कर भेजे, फ़ोटो से भी बहुत चीज़ आदमी बता पाता है कि आपको करनी क्या चाहिए। यदि आपको कुछ भी समझ में अभी नहीं आ रहा है, तत्काल आपको खान पान में सुधार कर लेनी चाहिए और टाइमली खाना खाना चाहिए, दाल जरूर लें, हरा सब्जी जरूर लें, फल फ्रूट जरूर लें, और कोई भी बीमारी अगर लेप्रोसी के साथ, यदि आपको गुप्त रोग भी है, कोई भी मर्द हो या औरत हो तो आपको इसके बारे में जरूर आप जानकारी दीजिए, पेट संबंधी शिकायत हो
कोई भी लेप्रोसी के साथ यदि बीमारी है तो उसकी सूचना आप जरूर दीजिए और इसका भी आप साथ साथ ट्रीटमेंट कराइए, तभी जाके आपका लेप्रोसी 100% ठीक हो पाएगा। मैं आशा करता हूँ कि जितने भी निराश रोगी कुष्ठ रोगी के हैं, हताश हैं, निराश हैं, उनका लेप्रोसी ठीक नहीं होगा, समय से निकाले जाएंगे, ऐसे कुष्ठ रोगियों के लिए होम्योपैथिक दवा वरदान है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो देखने के बाद में एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार आपके बॉडी में हो रहा होगा, आप जरूर ठीक हो जाएंगे। ये ऊपर वाला की कृपा होगी, ऊपर वाला चाहेंगे। मनुष्य अपना मेहनत करता है, डॉक्टर मेहनत करते हैं और एक से बढ़कर एक दवा चुनते हैं, और आप भी ईश्वर से मनाइए कि कुष्ठ रोग से जल्द मुक्त हो जाइए। यही उद्देश्य हमारा GSMP क्लिनिक एंड न्यू चैनल का है। रोगी ठीक होते हैं, फोन आता है सुनकर बहुत अच्छा लगता है कि हमारे सलाह से महाकुष्ठ रोग ठीक हो रहा है, जहां सरकार का इतने प्रयास के बाद MDT को फ्री में बांटने के बाद भी उनका ठीक नहीं होता है बीमारी, निराश होते हैं, कई तरह का दवा खाने के बाद भी निराश हो जाते हैं। एक आशा की किरण बनती है, हमें भी साहस होता है। 40 साल से हम लोग लगे हुए हैं कि ये कुष्ठ रोग कैसे समाप्त हो, और एक से बढ़कर एक इसमें दवा का हम लोग खोज करते रहते हैं। इसमें हमारे जो स्वर्गीय हमारे पिताजी डॉक्टर जनकदेव सिंह का योगदान बहुत ज़्यादा है। इस कुष्ठ रोग को मिटाने में उन्हीं का अनुभव का हम फायदा उठाते हैं, अपने अनुभव को हम ऐड किए हुए हैं, तब जाके कोई लेप्रोसी का मरीज आज ठीक हो रहा है। आज कोई शर्तिया गारंटी मांगता है तो हम उसको बोल देते हैं, गारंटी तो हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन जिन रोगियों का ये कुष्ठ रोग समाप्त हो चुका है उनका हम टेलीफोन नंबर आपके लिए ज़रूर हम उपलब्ध करा सकते हैं। गारंटी से महत्वपूर्ण चीज़ होता है विश्वास। यदि आपको विश्वास नहीं है किसी पर तो अच्छा से अच्छा दवा भी आप ले नहीं पाएंगे, और आपको मन में हमेशा शक की गुंजाइश रहेगी, और इस तरह से फेथ नहीं करने से आपका कुष्ठ रोग जड़ मूल से ठीक नहीं हो पाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि रोगी विश्वास बनाए रखें, और अगर उनको थोड़ा सा संतोष के लिए चाहिए तो रोगी का हम लोग नंबर टेलीफोन नंबर आपको दे सकते हैं, आप उनसे मिल लीजिए, आपको तसल्ली होगी, हिम्मत बढ़ेगा कि दूसरा मरीज ठीक हुआ है तो मेरा कौन कर्तव्य खराब है कि ठीक नहीं होगा। यदि दूसरा मरीज ठीक हो रहा है तो आप भी ठीक होंगे। इसी और आशा विश्वास के साथ मैं आपके लोकप्रिय यूट्यूब चैनल से हमें आप इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।